सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, विंडोज 11 में जो है आपका पीसी रीस्टार्ट करने के बाद, रीबूट करने के बाद यहाँ पर टास्क बार जो है शो नहीं हो रहा है। टास्क बार के आइकन जो है आपको शो नहीं हो रहे हैं, तो उसकी प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर रन कमांड ओपन करना है। विंडोज की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है, रन कमांड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पर टाइप करना है टास्क MDR, तो आप जो यहाँ पर देख सकते हैं टास्क मैनेजर जो है यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर जो है इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, लास्ट तक आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज एक्सप्लोरर, तो आपको जो है राइट क्लिक कर यहाँ पर रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका टास्क मैनेजर जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों, आप इसको जो है क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है विंडोज 11 की सेटिंग में जाना है। दोस्तों, आप जो है सेटिंग में, तो यहाँ पर आपके पास ये तो वर्क नहीं कर रहा है टास्क बार, तो आपको जो है सेटिंग में कैसे जाना है, यहाँ पर आपके डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनलाइज, तो आप जो है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर सिस्टम के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं टाइम एंड लैंग्वेज का जो ऑप्शन है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है चेक करना है डेट एंड टाइम जो है करेक्ट है या नहीं। अगर आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट नहीं है, तो आप जो उसको करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों, आप इजीली ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।